हेलो बच्चों, वेक्टर की इस क्लास में आज हम पढ़ेंगे अगर दो या दो से ज़्यादा वेक्टर हो तो उनका कैसे रिजल्टेंट फाइंड किया जाता है बाय रिजोल्यूशन मेथड। रिजोल्यूशन मेथड से कैसे वेक्टर को रिजोल्व किया जाता है। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं। रिजल्टेंट ऑफ, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चों ये, और ये बहुत ज़्यादा आगे तक काम आएगा आपका, 11th 12th में अलग अलग चैप्टर्स में बहुत ज़्यादा काम आने वाली चीज़ है। तो ध्यान से पढ़ेंगे, रिजल्टेंट ऑफ टू और मोर वेक्टर्स बाय यूजिंग रिजोल्यूशन मेथड। ठीक है, रिजोल्यूशन मेथड। देखो बच्चों, समझो बात को। जैसे पहले रिजोल्व करना सीखते हैं, छोटे छोटे वेक्टर को रिजोल्व करना सिखाऊंगा। जैसे ये कोई वेक्टर है, वेक्टर ए, ठीक है, हमने पहले भी रिजोल्व करे थे वैसे, तो इसे दोबारा समझ रहे हैं। ये वेक्टर ए है, ये एंगल थीटा है, तो मुझे क्या करना है, इसका एक्स डायरेक्शन में कंपोनेंट देखना है कितना होगा। तो देखो क्या किया था मैंने, पहले तो कंपोनेंट का मतलब क्या होता है। तो जैसे मैंने पहले भी समझाया आपको कि जैसे ये एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, इस पर आप ऐसे फोर्स लगा रहे हो, तो देखो ये जब ऐसे जाएगा तो ये वाई में भी ट्रैवल कर रहा है और एक्स में भी। तो वेलोसिटी का या फोर्स का एक्स और वाई में जो कंपोनेंट है वो बोलते हैं, उसे बोला जाता है प्रोजेक्शन या रिजोल्यूशन, तो उसे कैलकुलेट करना है। तो देखो मैंने इसे कहा कि यार ये ए एक्स है और ये ए वाई है, ठीक है, इसके ए के एक्स कंपोनेंट को एक्स बोला और इसको ए वाई। तो देखना जरा कॉस थीटा क्या हो जाएगा बच्चों, ए एक्स अपॉन ए, तो यहां से ए एक्स क्या आ जाएगा, ए एक्स ओ ए कॉस थीटा, ठीक है। सिमिलरली साइन थीटा, साइन थीटा कितना होगा बच्चों, ए वाई बाय ए, ठीक है, तो ए वाई कितना हो जाएगा, ए साइन थीटा, ठीक है, ए एक्स भी आ गया और ए वाई भी आ गया, ठीक है। अब देखो इसका मतलब, आज से अगर मान लो कोई वेक्टर है ए, ठीक है, और ये एंगल है थीटा, तो उसका इधर जो कंपोनेंट आएगा वो कितना होगा, ए कॉस थीटा, थीटा कह लो, और थीटा से विपरीत अपोजिट मतलब ये दूसरी साइड ए साइन थीटा, वाई कंपोनेंट। जैसे इसको यहां से यहां उठा के ले आए, हमने पढ़ा था ना वेक्टर को एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकते हैं, तो इधर क्या हो जाएगा, ये ए साइन थीटा और इधर ए कॉस थीटा। तो इस तरीके से अब हम अलग अलग डायग्राम में बहुत सारे वेक्टर को मैं रिजोल्व करके दिखाता हूँ। अब जैसे जरूरी कि थीटा आपको इधर से दे रखा हो, जैसे ये ए है और ये थीटा है, अब इसको रिजोल्व करना है, तो इधर कितना कंपोनेंट आएगा इसका, ए कॉस थीटा और इधर ए साइन थीटा। मतलब भाई थीटा इधर बेस बनेगा अब, तो बेस के अलोंग थीटा, तो मतलब ऐसे याद रखो कि थीटा के अलोंग कोस कंपोनेंट आता है, ठीक है। अच्छा, जैसे यहाँ यहाँ मान लो इधर बना दिया ये ए ये थीटा, ठीक, तो इधर क्या कंपोनेंट आएगा बच्चों, ए कॉस थीटा और इधर ए साइन थीटा। इसके दो कंपोनेंट होंगे, एक इधर और एक नीचे की तरफ, ठीक है, थीटा कुछ ज़्यादा ऊपर उड़ गया, जमीन पे लाते हैं इसको, ठीक है, तो ऐसे कॉस थीटा और ऐसे ए ये थीटा, ठीक है, तो ए का इधर कंपोनेंट कितना होगा, ए कॉस थीटा ए साइन थीटा। क्लियर है बच्चों, देखो बिल्कुल सेम वही। अच्छा, इधर ए इधर है, ये एंगल थीटा, बताओ जरा क्या होना चाहिए, तो इधर होगा बच्चों ए कॉस थीटा, ठीक है, और ये ए साइन थीटा, बिल्कुल थीटा के अलोंग कॉस कंपोनेंट और साइन कंपोनेंट, ऐसे रिजोल्व कर रहे हैं। अब जैसे एक बच्चे ने कहा सर अगर ए इधर होता फिर क्या करते हैं? तो देखो बच्चों, अगर मैं कहूं कि अब ये 90 डिग्री पे है, इधर रिजोल्व करो, मतलब वेक्टर वाई डायरेक्शन में एक्स में रिजोल्व करो, तो इसका कितना कंपोनेंट आएगा, इधर चेक करते हैं। मैं इसे थीटा मान लिया ए कॉस 90, और कॉस 90 क्या होता है बच्चों, जीरो,
तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, जीरो। ठीक है, तो ए का 90 डिग्री पे रिजोल्यूशन जीरो आएगा। यानी कि आज से हमें पता लग गया कि किसी भी वेक्टर को आप 90 डिग्री पर रिजोल्व नहीं कर सकते। ठीक है, मतलब आप ऐसे सोचो, जैसे मान लो ये चौक है, ठीक है, मैं इस पर फोर्स ऐसे लगा रहा हूँ ऊपर की तरफ, बिल्कुल सीधा ऊपर, तो ऑब्जेक्ट लेफ्ट राइट नहीं जा सकता, अब सीधा ही जाएगा। तो इसका मतलब किसी भी वेक्टर को 90 डिग्री पर रिजोल्व नहीं कर सकते। ठीक है, अब मान लो मैंने इस ऑब्जेक्ट पे चौक पे फोर्स ऐसे लगाया, तो मैं हॉरिजॉन्टल फोर्स लगा रहा हूँ, तो क्या वर्टिकल मूव करेगी? नहीं। तो किसी भी वेक्टर को 90 डिग्री पर रिजोल्व नहीं किया जा सकता। अब देखो, जैसे छोटा सा क्वेश्चन पूछा मैंने कि ए इधर है, तो इसका इधर कंपोनेंट बताओ, तो 90 पर रिजोल्व नहीं हो सकती, तो ए वाई क्या आएगा, जीरो। ठीक है, अब देखो इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है, नेक्स्ट पॉइंट है बच्चों, अगर मान लो जैसे एक्स और ये वाई, मान लो मेरे पास ए ही है, ठीक है, और एक ये डायरेक्शन है कोई, इससे एंगल है इसका अल्फा, मैं पूछ रहा हूं कि क्या ये वेक्टर इधर रिजोल्व हो सकता है? तो हो सकता है भाई, 90 डिग्री तो नहीं है ना ये, तो 90 डिग्री नहीं है, तो ए का इधर कंपोनेंट कितना आएगा, ए कॉस अल्फा। क्लियर है? और एक लाइन बिल्कुल ऐसे बनाई हमने इसके परपेंडिकुलर, ठीक है, तो इसका इधर कंपोनेंट कितना आएगा, ए साइन अल्फा। तो ए का इधर कंपोनेंट ए कॉस अल्फा और इधर ए साइन अल्फा। क्लियर है बच्चों? ऐसे ही अब थोड़ा सा और समझाता हूं एक बात, जैसे मान लो ये वेक्टर है और ये एंगल थीटा है, ठीक है, एंगल थीटा है, ये थीटा, हमसे पूछा जा रहा है कि इसको रिजोल्व करना है एक्स और वाई में, ठीक है, एक्स वाई में इसको रिजोल्व करना है। तो एक आप वीडियो पॉज करके करके देखो, तो एक बच्चे ने कहा सर ये हो जाएगा ए कॉस थीटा और ये हो जाएगा ए साइन थीटा, तो थीटा वाली बात तो वो सही बता रहा है, लेकिन जो समझने वाली बात है बच्चों वो ये है कि यार थीटा का देखो ये एरो ऐसे है और कंपोनेंट ऐसे आ गया, ऐसा हो सकता है? किसी वेक्टर का 90 डिग्री पर रिजोल्यूशन हो सकता है? नहीं, सॉरी, किसी वेक्टर की डायरेक्शन आप रिवर्स कर सकते हो? फॉर एग्जांपल मान लो मैं ये ऑब्जेक्ट है, इस पे फोर्स ऐसे लगा रहा हूँ, ठीक है, तो भाई ये नीचे ही तो दबेगा, ऊपर तो नहीं उठेगा, जबकि यहाँ ऊपर उठा दिया हमने इसको, इसका मतलब यहाँ गड़बड़ कर दी हमने। तो इसे सही समझने के लिए दो तरीके हैं। पहला तरीका तो जैसे मैं करता हूँ, इस वेक्टर को आगे ले जाओ, मतलब क्या करना चाहिए, वेक्टर को ऐसे चलाना चाहिए कि उसका टेल यहाँ से ओरिजिन से चले, ये एफ हो गया, ये थीटा, ये थीटा, तो इधर कितना कंपोनेंट हो जाएगा इसका, एफ कॉस थीटा और इधर एफ साइन थीटा। एक तरीका ये है। दूसरा तरीका अगर आप कहते हो नहीं सर हम तो यहीं पर रख के इसे रिजोल्व करेंगे, तो देखो एफ है ना ये, तो ऐसे रिजोल्व करो, ये एफ कॉस थीटा और ये एफ साइन थीटा। ठीक है, एक तरीका ये, मतलब एक तो तरीका ये हुआ और एक तरीका ये हुआ। ठीक है, और मैं एक क्वेश्चन और देता हूँ आपको, फिर क्वेश्चन शुरू करते हैं। ये एफ, ये थीटा, ठीक है बच्चों, ओ ये तो हम कर चुके। जैसे ये ए और ये थीटा है, ठीक है, तो यहाँ पे भी यही बात है। आप क्या करोगे बच्चों, इसको आगे ऐसे ले आओ, ठीक है, ए ले आए, ये थीटा है तो ये थीटा होगा। अब देखो ये कितना होगा इसका कंपोनेंट, ए साइन थीटा ना, ओ ओ ओ कॉस थीटा और ये ए साइन थीटा। क्लियर है बच्चों? तो इस तरीके से दो कंपोनेंट आ गए हमारे पास। ठीक, और वैसे करना चाहते थे यहीं पे, तो ये हो जाता ए कॉस थीटा और ये हो जाता ए साइन थीटा। क्लियर है? तो इस तरीके से दो कंपोनेंट बन सकते थे। अब आगे बढ़ाते हैं बात को।
जैसे क्वेश्चन है कि भाई हम रिजल्टेंट फाइंड कैसे करें, तो स्टेप टू सॉल्व द टू डिटरमाइन द रिजल्टेंट, ठीक है, बहुत काम आएगा आपके पूरे हर मैक्सिमम कई चैप्टर में यूज होगी ये बात, तो आज अगर इसे अच्छे सीख लोगे तो आगे फायदा होगा। स्टेप टू डिटरमाइन द रिजल्टेंट ऑफ टू और मोर वेक्टर्स, टू और मोर वेक्टर्स, ठीक है। देखो जैसे दो से ज्यादा वेक्टर है उनको रिजॉल्व करना है, ठीक है। देखो बच्चों, सबसे पहले क्या करना है, डिटरमाइन द कंपोनेंट्स ऑफ ईच वेक्टर अलोंग एक्स एंड वाई रेस्पेक्ट, एक्स एंड वाई एक्सिस, एक्स और वाई एक्सिस के अलोंग कंपोनेंट रिजोल्व करो। भाई 3D का बहुत रेयर केस होता है, अगर 3D आ जाए तो जेड एक्सिस के अलोंग भी रिजोल्व कर लो, ठीक है, तो रेयर केस होते हैं, ठीक। देन डिटरमाइन द रिजल्टेंट ऑफ दीज वेक्टर्स दीज कंपोनेंट, रिजल्टेंट ऑफ दीज कंपोनेंट्स अलोंग एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस रेस्पेक्टिवली, ठीक है। मतलब पहले एक्स एक्सिस के लोग कैलकुलेट कर लो कंपोनेंट रिजल्टेंट का, फिर वाई के, मतलब सारे एक्सिस का रिजल्टेंट आपने एक्स में पता करा, मान लो वो आर एक्स आ गया, जितने भी कंपोनेंट आए सबको जोड़ा या घटाया जो भी रिजल्टेंट फाइंड किया, और वाई में जो करा वो आ गया आर वाई, ठीक है। तो जो रिजल्टेंट कहलाएगा बच्चों, ये आर एक्स और ये आर वाई, तो रिजल्टेंट हो जाएगा आर, ठीक है, रिजल्टेंट हो जाएगा आर, और आर विल बी अंडर रूट ऑफ आर एक्स स्क्वायर प्लस आर वाई स्क्वायर, ठीक है, आर एक्स स्क्वायर प्लस आर वाई स्क्वायर। अगर मैं डायरेक्शन पता करूं तो टेन अल्फा इक्वल टू आर वाई बाय आर एक्स, ये तरीका होता है बच्चों रिजल्टेंट फाइंड करने का, ठीक है। अब देखो एक दो क्वेश्चन करते हैं, अब समझ में आना शुरू हो जाएगा ये, ठीक है। तो देखो नोट कर लो आप इसको, देखो भाई पहला क्वेश्चन, जैसे पहले क्वेश्चन में है ये 10 न्यूटन फोर्स है, ठीक है, ये छोटी वैल्यू लेते हैं 2 न्यूटन, ये ले लेते हैं 10 न्यूटन, ये एंगल 37 है, तो फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है ना, पता है आपको, और ये 1 न्यूटन है, इधर 3 न्यूटन है, ठीक है, इधर, चलो पहला क्वेश्चन है थोड़ा इजी लेते हैं ऐसे। अच्छा कॉस 37 बहुत यूज करता हूँ मैं, साइन कॉस, तो इसको याद कर लो आज से, कॉस 37 4/5 और साइन 37 3/5, ठीक है। अब क्वेश्चन आया कि इनका रिजल्टेंट बताओ, ये तीन वेक्टर हैं बच्चों, एक ये, एक ये, एक ये और एक ये, ठीक है। तो बताओ स्टेप वन क्या लिखा था हमने, कि पहले सारे वेक्टर एक्स में रिजोल्व करो फिर वाई में। तो देखो देखो जैसे मैंने क्या काम किया, 2 न्यूटन को एक्स में रिजोल्व कर लिया, क्या करा सर रिजोल्व, ये तो पहले से ही एक्स में था, तो हाँ ये पहले से ही एक्स एक्सिस के अलोंग है, ठीक है। फिर हमने क्या काम किया बच्चों, 10, देखो 10 का एक्स में कितना कंपोनेंट आएगा, 10 cos 37, ठीक है। अच्छा इसका कितना आएगा, 1 न्यूटन आएगा ना। अब देखो बच्चों ऐसे लिखा, अब एक्स डायरेक्शन में रिजल्टेंट लिखो,
एक्स डायरेक्शन में रिजल्टेंट, तो आर एक्स 2 + 10 cos 37 -1n, ठीक है, -1n, 1 न्यूटन। देखो भाई ये दो दो एक्स में जा रहे हैं और ये पीछे जा रहा है, तो पीछे जा रहा है सब्ट्रैक्ट होगा नहीं, तो इन दोनों को जोड़ के इसमें से घटा दिया, क्लियर। अब देखो 2 10 cos 37, cos 37 कितना होता है बच्चों, 4/5, ठीक है, -1, 5 × 10 कितना हो जाएगा, ये 4 × 8 -1, 10 - 1 कितना होता है बच्चों, 9। कैलकुलेशन देख लेना भाई, कैलकुलेशन में ऐसा ही मामला है, देखो 4 × 8, ठीक है, ठीक है, 10 - 1 9। अब ऐसी आर वाई कैलकुलेट करना है, तो आर वाई में देखो एक तो 3 न्यूटन है पहले से, ठीक है, 3 न्यूटन, 10 का इधर कंपोनेंट कितना होगा, 10 sin 37, ठीक है, 1 का इधर कंपोनेंट आएगा नहीं, बस ये दो कंपोनेंट मिलके क्या बनाएंगे, आर वाई, तो 3 + 10 sin 37, 10 sin 37 कितना होता है बच्चों, बोलो 3/5, तो 5 × 10 है ना। अब देखो 3 × 3 = 6, तो 6 और 3 क्या होगा, 9, आर वाई 9 आ गया। अब रिजल्टेंट का क्या रूल बताया था मैंने तुम्हें, रिजल्टेंट का रूल बताया था कि दो कंपोनेंट आएंगे, एक आर एक्स आएगा और एक आर वाई, है ना, तो आर वाई यहाँ लिख लेंगे, इसको यहाँ से यहाँ ले गए, खिसका सकते हैं वैसे, और ये रिजल्टेंट, क्लियर है, तो r इक्वल टू कितना आ जाएगा, अंडर रूट ऑफ आर एक्स स्क्वायर प्लस आर वाई स्क्वायर, और देखो आर एक्स कितना होगा, 9 का स्क्वायर, ऐसे ही है ना, ये आर एक्स आया 9 और आर वाई आया, गलत गलत गलत, अच्छा दोनों 9 आए हैं, ये 3 × 6 और 3 क्या 9, चेक कर ले एक बार, कुछ गड़बड़ तो नहीं, 4 × 8 वैसे आ सकते हैं, सेम वैसे वेरीफाई कर रहा हूँ, ठीक है, दोनों बराबर आए 9 9, इत्तफाक की बात है ये, और ये हो जाएगा 9√2, ठीक है। हमसे पूछा जा रहा है रिजल्टेंट बताओ, तो सोचो बच्चों ये 9 है ये 9 बराबर है ना, ये रिजल्टेंट तो ये 45 नहीं होना चाहिए, कैसे भाई, 10α = 9/9 1, तो 10α 1 आ रहा है, इसका मतलब 45 डिग्री होगा, ठीक है, तो इस तरीके से एंगल आ गया। एक क्वेश्चन और करते हैं बच्चों, ठीक है, दिमाग खुलना शुरू हो जाएगा। देखो क्वेश्चन है, जैसे जैसे ये है 5 न्यूटन, ये 4 न्यूटन, ठीक है, और 37 डिग्री, ये है 2 न्यूटन और ये है 1 न्यूटन, इधर कितना कर देते हैं 3 न्यूटन, ठीक है बच्चों, इस तरीके से फोर्स बना लिया। इसे हमसे पूछा जा रहा है रिजल्टेंट बताओ, तो सबसे पहले क्या काम करना है, आप बंद करके वीडियो आप चला सकते हो, इसको मतलब खुद कर सकते हो, ठीक है, तो जैसे देखो 4 न्यूटन, 4 न्यूटन ऐसे जाएगा, ठीक है, 2 5 का कितना कंपोनेंट आएगा इधर, 5 cos 37, है ना, 2 का कंपोनेंट नहीं आ सकता, 3 का नहीं आ सकता, और किसका कंपोनेंट आएगा, 1 का, हाँ 1 का आ सकता है, कितना 1 न्यूटन, तो बता इधर कितना आएगा रिजल्टेंट x में, अच्छा ये वैल्यू बड़ी है ये छोटी है, तो इसलिए रिजल्टेंट इधर है, कोई केस ऐसा होता है जैसे यहाँ 20 न्यूटन होता और इधर कम होता तो रिजल्टेंट फिर इधर आ जाता, तो आर एक्स इधर की तरफ लिखा जाता, ठीक है। अब आर एक्स हो जाएगा यहाँ से 4 + 5 cos 37 - 1, 5 + 4 cos 37, 4/5 - 1, ठीक है, 4 4 और 4 8, 8 - 1 7 आ गया आर एक्स। सिमिलरली आर वाई, ठीक है, आर वाई
देखो बच्चों, 2 न्यूटन, 2 न्यूटन होगा ना ये, 5 न्यूटन है ये, एंगल 37, इसका इधर कंपोनेंट कितना होगा, 5 sin 37, ठीक है। और 1 का इधर कंपोनेंट होगा, नहीं 4 का होगा, नहीं। तो देखो आर वाई हो जाएगा 2 प्लस 5 sin 37, 2 प्लस 5 sin 37 कितना होगा बच्चों, 3/5, 2 प्लस 3 इक्वल टू 5। क्लियर है बच्चों? भाई 2 है, और एक मिनट ये छूट गया हमसे, 3 न्यूटन। देखो भाई 2 है इधर, 5 sin 37 है, अच्छी बात है, लेकिन साथ में 2, 3 भी तो है पीछे की तरफ, ठीक है। तो 5 sin 37, 3/5, ठीक है बच्चों, और बैकवर्ड है ये -3, तो 3 - 3 ये कितना हो जाएगा, 2 बचा। कैलकुलेशन एक बार फिर चेक कर लेना। अब देखो तो रिजल्टेंट ऊपर की तरफ कितना आएगा, आर वाई कितना आ गया 2, और आर एक्स कितना आ गया 7, ठीक है। तो देखो रिजल्टेंट कैसे लिखेंगे, ये हो जाएगा बच्चों अंडर रूट ऑफ आर एक्स हो गया 7, और आर वाई कितना है 2, तो 7 और ये 2, तो रिजल्टेंट कैसे लिखा जाएगा ऐसे, ठीक है। और रिजल्टेंट होगा कितना, दैट इज आर वाई, आर इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 7 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, 49 प्लस 4, ठीक है, 49 प्लस 4, तो कितना हो गया ये, 9 4 13 3 √53। और एंगल बताना हो तो tan α 2/7, तो अल्फा इक्वल टू tan 1 2/7, ये एंगल आ गया, ठीक है। तो इस तरीके से अलग अलग टाइप के क्वेश्चन कर रहे हैं हम रिजल्टेंट फाइंड करने के लिए, ठीक है। अब नया क्वेश्चन देखते हैं। देखो बच्चों, अब शुरुआत करते हैं ऐसी प्रॉब्लम की, जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे कुछ भी ऐसे लिख दिया, ये वैल्यू ए लिख दी, ठीक है, ए और ये, ठीक है। ऐसे 3 वेक्टर हैं जो इस तरीके से लग रहे हैं, ये एंगल है 60 डिग्री, ये चलो 30 डिग्री, और इधर भी 30 डिग्री, ठीक है। इनका रिजल्टेंट फाइंड करना है, तो बड़ा इजी है बच्चों। देखो यहीं पर कर लेते हैं इस क्वेश्चन को, ए का इधर कंपोनेंट कितना होगा, ए कॉस 30, और इधर कितना होगा, ए साइन 30, ठीक है। इस ए का इधर कंपोनेंट कितना होगा, ए कॉस 30, और इधर कितना होगा, ए साइन 30, ठीक है। तो देखो ए कॉस 30 किस डायरेक्शन में, एक्स में, और ए साइन 30 भी क्या है, एक्स में, लेकिन नेगेटिव एक्स में। तो अगर मैं रिजल्टेंट लिखूं, आर एक्स ए कॉस 30 माइनस ए कॉस 30 कितना आ जाएगा बच्चों, 0, ठीक है। तो आर एक्स कितना आ जाएगा, 0। अच्छा बिल्कुल ऐसे ही अगर y में लिखा जाए, तो आर वाई ए साइन 30 प्लस ए साइन 30, ठीक है, माइनस ए, ऐसे लिख दिया भाई, ये 2 ए साइन 30 हो जाएगा, नहीं, और माइनस ए कितना हो जाएगा, 2 ए साइन 30 माइनस ए, 2 ए साइन 30 कितना हो जाएगा, 1/2 माइनस ए, कितना आ गया, 0। तो आर वाई कितना आ जाएगा, 0। तो आर एक्स भी 0, आर वाई भी 0, तो रिजल्टेंट क्या आएगा, 0, ठीक है। समझ में आया बच्चों? अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या करते हैं, डिफरेंट वेक्टर लेंगे। तो अब जो क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ, ये कुछ स्पेशल कैटेगरी के क्वेश्चन है भाई, ये 2-3 बुक्स में दे रखे हैं, अब इन्हें समझना, ठीक है। जैसे क्वेश्चन है, ये अलग से टाइप के क्वेश्चन होते हैं, जैसे मान लो एक पार्टिकल है, ठीक है, वो यहाँ से यहाँ तक 2 मीटर चला पहले,
अब आपको लगेगा सर ये मोशन इन प्लेन का क्वेश्चन है, यहाँ पे भी कर सकते हैं आप वेक्टर में भी, और ये चला इधर 5 मीटर पहले, ऐसे एंगल 37 ले लेते हैं। मैं सारे क्वेश्चन में 37 ही एंगल ले रहा हूँ, कारण है इसमें रूट से हट जा पीछे छूट जाता है, ठीक है। फिर इधर चला ये 4 मीटर, फिर ऊपर चला 3 मीटर, ठीक है। तो आपसे पूछा जा रहा है रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट बताओ, तो कुछ बच्चे क्या करते हैं सीधा इसको जोड़ देते हैं और कहते हैं सर इससे सॉल्व हो जाएगा, लेकिन ये सॉल्व करना तो मुश्किल है ना, फिर ये लेंथ पता करो, फिर ये। तो उससे अच्छा तरीका है कि आप इन्हें रिजॉल्व करना शुरू कर दो, इन सब वेक्टर को उठा के लाओ और इनकी टेल ओरिजिन पे लाके रख दो। तो देखो जब 2 मीटर आएगा तो 2 मीटर ऐसे, 5 मीटर ऐसे, पर रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट बताना है। तो डिस्प्लेसमेंट क्या है, वेक्टर क्वांटिटी, यानी कि रिजल्टेंट वेक्टर बताना है, तो रिजल्टेंट फाइंड करना है। और ये 4 मीटर और फिर ये 3 मीटर, सबको ऐसे ले आए, ठीक है। अब इनको रिजॉल्व करो, देखो आर एक्स 2, 4 तो ऑलरेडी पहले से है, 5 का कौन सा कंपोनेंट होगा, 5 cos 37, तो रिजल्टेंट आ जाएगा बच्चों 2 + 4 5 cos 37, 4/5, 5 से 5 कट गया 2, 4 + 4, 8, 10 आ गया आर एक्स। बिल्कुल सिमिलरली आर वाई, तो देखो 5 sin 37, ठीक है 3, तो इसका कैलकुलेट करना है रिजल्टेंट, तो आर वाई हो जाएगा 3 + 5 sin 37, ठीक है 3 + 5 sin 37 कितना होता है बच्चों 3/5, तो 3 + 3 6 कितना हो जाएगा 6, ठीक है 3 + 3 6 आ जाएगा। बताओ बच्चों समझ में आया नहीं आया, तो देखो अब आगे बढ़ते हैं। ऐसे रिजल्टेंट आर एक्स से और आर वाई से कैलकुलेट कर लेना रिजल्टेंट। अब बिल्कुल उसी तरीके से बच्चों एक अलग ऐसा ही क्वेश्चन है कि हमने क्या काम किया, हमें ऐसे क्वेश्चन दे रखा है ये ओ ये ए, इसका मैग्नीट्यूड दे रखा है 5 दे रखा है मान लो, है ना यूनिट में। अब ये वेक्टर है डिस्प्लेसमेंट है क्या नहीं पता, ऐसे ही ऐसे लिखा है ओ बी, इसके एंगल में 37 ही ले लेता हूँ और इसका मैग्नीट्यूड लिखा है 10, ये लिखा है ओ सी, इसका मैग्नीट्यूड लिखा है 4, ये एंगल इधर से 37 बना लेते हैं, ठीक है ऐसे लिखा है बच्चों। और क्वेश्चन में क्या लिखा है, क्वेश्चन है कि फाइंड ओ ए वैक्टर माइनस ओ सी वैक्टर प्लस ओ बी वैक्टर, मतलब उसने आप तो रिजल्टेंट के सोच रहे हो, उसने रिजल्टेंट नहीं पूछा, ओ ए प्लस ओ सी वैक्टर माइनस ओ सी वैक्टर प्लस ओ बी, इस तरीके से फाइंड करवाने जा रहे हैं। तो जब ऐसा क्वेश्चन आएगा थोड़ा समझदारी से करना है, इसमें क्या करो आई जे के जो सिखाए थे उसकी मदद लेते हैं। तो देखो ये डायरेक्शन कौन सी होगी आई कैप, ये कौन सी डायरेक्शन होगी जे कैप, और ये कौन सी होगी के कैप, ठीक है। और ओ ए वैक्टर को सबको अलग अलग सॉल्व करते हैं, तो ओ ए देखो बच्चों ये वैक्टर खुद एक्स में है तो 5 i कैप, फिर ओ सी वैक्टर, ओ सी वैक्टर देखो बच्चों इसका इधर कंपोनेंट कितना जाएगा 4 cos 37, और इधर कितना जाएगा 4 sin 37, तो इसको लिखेंगे ओ सी वैक्टर को 4 cos 37 i कैप प्लस 4 sin 37, लेकिन कौन सी डायरेक्शन में, ओ सॉरी ये जे नहीं होता है माइनस के कैप होता है, वो माइनस आई कैप, ठीक है तो माइनस आई कैप, ठीक है माइनस आई कैप, अच्छा ये लिख लिया। और इसको और आगे सॉल्व क्या कर सकते हैं, कॉस 37 4/5, ठीक है आई कैप प्लस 4 sin 37 3/5 माइनस आई कैप, ऐसे लिख लिया 16/5 i कैप प्लस माइनस 4 × 12 i कैप, ठीक है ऐसे आ गया। बिल्कुल ऐसी ओ बी वैक्टर, ओ बी वैक्टर कैसे, ओ बी का इधर कंपोनेंट कितना आएगा बच्चों
टेन है ना, टेन कॉस 37, और इधर कितना जाएगा, टेन साइन 37, ठीक है। तो ओ बी वेक्टर हो जाएगा टेन कॉस 37 आई कैप प्लस टेन साइन 37 जे कैप, लिख सकते हैं बच्चों, ठीक है। टेन कॉस 37 होता है 4/5, साइन 37 होता है 3/5, तो 5 × 10, 5 × 10 8 आई कैप प्लस 6 जे कैप, ये क्या हो जाएगा, ओ बी वेक्टर, क्लियर है। देखो आपने ओ ए वेक्टर लिखा, ओ सी वेक्टर लिखा और ओ बी वेक्टर लिखा, अब इस वैल्यू में पुट कर दो इसको, तो ये क्या हो जाएगा, ओ ए वेक्टर माइनस ओ सी वेक्टर प्लस ओ बी वेक्टर इक्वल टू, ओ ए वेक्टर की जगह लिखो 5 आई कैप, ओ बी और ओ सी वेक्टर कहाँ है, ये रहा, माइनस ऑफ 16/5 आई कैप माइनस 12/5, ये क्या है, ओ सी वेक्टर, ये बच्चों जे कैप होगा ना, कुछ भी लिखते हो यार तुम, है जे कैप है ये, ठीक है। और वो भी गलत, वो जे कैप करना था इसको, है ना, ध्यान से देखना है, 12/5 16/5 जे कैप, तो कहाँ गया ये रहा, और 12/5 आई कैप प्लस ओ बी वेक्टर, ओ बी वेक्टर होगा 8 आई कैप प्लस 6 जे कैप, ठीक है। अब देखो क्या करेंगे बच्चे, इसको सॉल्व करो, आई कैप वाले इकट्ठे कर लो पहले, 5 माइनस 12/5 प्लस 8 इंटू आई कैप, फिर प्लस 6 माइनस 16/5 जे कैप। अभी आपका काम है इसको सॉल्व करना, इसका मैग्नीट्यूड लिखना, अगर मैग्नीट्यूड पूछा है तो मैग्नीट्यूड कर लेना, मैग्नीट्यूड नहीं पूछा तो ऐसे लिख के छोड़ देना, ठीक है। तो अगर कभी इस तरीके से वैल्यू कराता है रिजल्टेंट, तो क्या करेंगे, आई जे के टर्म में सॉल्व करना है, ठीक है। तो ये मैंने आपको आज की क्लास में रिजल्टेंट फाइंड करना सिखाया रिजोल्यूशन मेथड से, हमेशा यही मेथड अडॉप्ट करना चाहिए किसी भी चैप्टर में, अगर बहुत सारे वेक्टर दे रखे हैं तो इसी मेथड से सॉल्व करना चाहिए, क्लियर। थैंक यू बच्चों।